Good morning, student of class three. I am a computer teacher, Sonji sir. Hope you all are fine. As all of you know that I have already completed our computer syllabus, third term syllabus. So today I am going to start revision chapter number two. Okay, introduction to Windows. Okay, chapter number two, introduction to Windows. So let's start here you can see the syllabus of third term examination in my previous video i already have discussed about the syllabus all computer chapters which are included in the third term examination so all of you should read each and every chapter very very carefully okay now move on to the topic this is the content of this chapter introduction to windows and operating system function of an operating system windows environment desktop and its components switching on a computer basic com operation on a desktop power modes of windows 10 normal and safe mode and starting the starting down a computer okay so in this video i am going to discuss about an operating system function of an operating system windows environment and desktop and its components okay so now move on to the topic so

तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उस आ, मैंने पहले ही बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है विदाउट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर अनेबल टू रन ओके दैट मीन्स जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा उसी के ऊपर कंप्यूटर क्या होता है कि काम करता है ओके ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज एल्सो ए प्रोग्राम इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू रन ऑल दी अदर प्रोग्राम्स ऑन इट जितना भी सारा प्रोग्राम होगा कंप्यूटर में कंप्यूटर uh, के ऊपर इंस्टॉल रहेगा वो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही वो कंप्यूटर के ऊपर रन करता है ओके इट इज द बेसिक सॉफ्टवेयर हुई चे कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू वर्क एट ऑल अगर कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर क्या होगा काम नहीं करेगा ओके ऑल द एनी कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट गेम्स वीडियो पिक्चर्स एंड अदर सच एप्लीकेशन बट इट कैन नॉट वर्क विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर गेम नहीं होता है तो चलेगा वीडियो नहीं होता है तो चलेगा पिक्चर्स नहीं होता तो तब भी चलेगा कोई भी एप्लीकेशन ना रहे तब भी कंप्यूटर चलेगा लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर एकदम नहीं चलेगा ओके नाउ दिस आर द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हो गया लिनक्स हो गया यूनिक्स यूनिक्स एप्पल आईओएस सम एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ इज़ वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जैसे कि आप लोग देखेंगे कि हम लोग के स्कूल में कंप्यूटर में जो भी सारा सिस्टम लगा होता है वो सब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही लगा होता है ओके

जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है कि हम लोग जो ऑपरेट uh, हम लोग जब काम करेंगे तो हम लोग क्या हुए हम लोग यूज़र हुए ओके okay. और कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर होता है उस uh, हम लोगों के हम लोग और कंप्यूटर के बीच में जो लिंक होता है वो लिंक uh, होता है को ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एक लिंक की तरह काम करता है ओके नाउ कम्स टू द पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम डज ऑल द वर्क व्हिच इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ए कंप्यूटर एंड इट्स कनेक्टेड डिवाइस दैट मीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जितना भी सारा इंपॉर्टेंट काम होता है वो सब कुछ करता है मेनटेन करता है जितना भी सारा कुछ भी होता है कंप्यूटर के अंदर सब कुछ मेंटेन करता है ओके इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इट ऑफ इट्स रिसोर्स सच एज सी पी यू एंड प्रिंटर ओके इट फॉर्म से यूज़र इंटरफेस फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड द एक्सटर्नल डिवाइसेस और प्रोग्राम्स दैट मीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है कि एक बहुत ही अच्छा अच्छा इंटरफेस क्रिएट करता है यूज़र हो गया हार्डवेयर होगा जितना भी सारा एच डिवाइस होता है सबको चेक करता है वो ओके सब को मैनेज कौन करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही सब कुछ मैनेज करता है ओके सो मेन थिंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम work as a link between user and the hardware and maintain all the important work and connected devices okay so this is the function of an operating system next is windows environment windows operating system has a visual environment using windows and icons दैट मींस हम लोगों ने बोला कि जितना भी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम जो ऑपरेटिंग मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है विंडोज होता है सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ ए विजुअल एनवायरमेंट यूजिंग विंडोज एंड आईकॉन्स एनवाइट इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज इट इज ए यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर दैट मींस आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे के मेनली यूज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मतलब क्या होता है कि ग्राफिक्स होता है वहां पे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनू दिख रहा है उसको हम लोग क्लिक कर पाएंगे पॉइंटिंग कर पाएंगे सिलेक्ट कर पाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलेंगे ओके okay. जो कि एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है ओके नेक्स्ट इज डेस्कटॉप एंड इट्स कॉम्पोनेट्स डेस्कटॉप इज एन ऑपरेटिंग स्क्रीन इन विंडोज इट डिस्प्ले आइकॉन्स फॉर डिफरेंट प्रोग्राम ए टास्क बार ए स्टार्ट मेनू एंड ए बैकग्राउंड आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिक्चर के ऊपर कि ये डेस्कटॉप होता है ओके okay? एंड ये क्या शो कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकॉन शो कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम शो कर रहा है ओके okay? एक टास्क बार भी नीचे आप लोगों को दिख पा रहा होगा एक स्टार्ट बटन है और एक बैकग्राउंड है विंडोज साइन का बैकग्राउंड है ओके सो दीज आर द कॉम्पोनेट्स ऑफ डेस्कटॉप फर्स्ट इज द पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द बैकग्राउंड आप लोग यहाँ पे पिक्चर पीछे जो पिक्चर दिख रहे होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलेंगे जो विंडो दिख रहा है उसका हम लोग क्या बोलेंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड दिख रहा होता है ओके दी डेस्कटॉप हैज मेनी आईकॉन्स दी स्मॉल दी स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर दैट मीन्स जो यहाँ पे पिक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर दिख रहा है छोटा 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 उसको हम लोग आईकॉन बोलते हैं ओके टास्क बार इज लोकेटेड द बटन ऑफ द आप लोग जो टास्क नीचे दिख रहा होगा उसको आप लोग कहीं पे भी उठा के ले जा सकते हैं right राइट में ले जा सकते हैं लेफ्ट में ले जा सकते हैं ऊपर में टॉप uh, पे ले जा सकते हैं ओके इट डिस्प्ले विंडोज और स्टार्ट आईकॉन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द डेट एंड टाइम ऑफ द राइट साइड आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्टार्ट बटन

एरो uh, दिख दिखाया गया है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो डेस्कटॉप होगा वो शो होना चालू हो जाएगा नेक्स्ट इज स्विचिंग ऑन ए कंप्यूटर हाउ टू स्विच ऑन ए कॉम्प्यूटर ओके सो

द इलेक्ट्रिसिटी इज गोज ऑफ ओके आप लोग यू पी एस को पहले उसके बाद क्या करना होगा कि आप लोगों को यू पी एस को ऑन करना होगा यूपीएस के इसलिए यूज होता है हम लोगों ने पहले ही सीखा था कि जब पावर कट हो जाता है तब यू पी एस कुछ देर के लिए बैकअप देता है ओके देन स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन ऑन द सी पी यू बॉक्स एज इट द मेन प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर एंड सपोर्ट्स इट्स वर्किंग उसके बाद हम लोगों को जो सी पी यू जो होता है नंबर थ्री पॉइंट सीपी यू का जो पावर बटन है उसको ऑन करना होगा ओके नेक्स्ट इज लास्टली स्विच ऑन द मोनिटर बटन टू सी द डेस्कटॉप बैकग्राउंड उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोग मोनिटर का जो बटन होता है पावर उसको ऑन करना होगा डेस्कटॉप को देखने के लिए ओके सो दीज आर द स्टेप्स टू बी फॉलो टू starting or switching a computer okay so i hope that all of you understand today's topic but all of you have to read the chapter very carefully to understand the topic and also learn all question and answer which i have already provided to you okay so today i'm ending my discussion here in my next video uh, i will uh, discuss the rest of the chapter okay so till then take care goodbye and thank you